मुंबई की खबर ले लेते हैं। मुंबई के चूनाभट्टी इलाके में एक बिल्डर पर उसके दफ्तर में ही फायरिंग हुई है। तस्वीरों में आपको हम दिखाते हैं किस तरह से दफ्तर में घुसे दो बुर्का पहन के शख्स फायरिंग करते हैं। बुर्के में आए ये दो लोग अरिहंत डेवलपर्स के मालिक जिग्नेश जैन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। जिग्नेश जख्मी है, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दफ्तर के अंदर सीसीटीवी कैमरा जो लगाया था उसमें कैद हुई है तस्वीरें। एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह जुड़ गए और जानकारी के साथ। मृत्युंजय, ये जो दो शख्स आए हैं बुर्का पहन के जिन्होंने जिग्नेश के ऊपर फायरिंग की है, ये कौन है? जी, इसी बात की तलाश मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच के अधिकारी भी कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक कोई ऐसा एक्सटॉर्शन कॉल या कोई धमकी भरा कॉल नहीं आया था जब तक जानकारी मिल पाई है। परिवार वालों ने भी ऐसी कोई शिकायत पुलिस में नहीं कराई थी कि ऐसा कोई शख्स फोन कर रहा है, ना तो जिनेश ने कोई ऐसी शिकायत की थी। ये जो दो व्यक्ति हैं ये करीब 7 बजे के आसपास अरिहंत का जो बिल्डर का दफ्तर है चूनाभट्टी इलाके में, उस इलाके में पहुंचे और पहुंचने के बाद दो राउंड फायर की। एक फायर जो है उनके पीठ पर लगी हुई है। एक घंटे के भीतर ही एक गोली निकाल ली गई, दूसरा गोली स्कैन करके निकाला जा रहा था। जो फिलहाल उनकी तबीयत स्थिर बताई जा रही थी। इस मामले में भी फिलहाल पुलिस ने कई टीमें बनाकर जांच पड़ताल शुरू की है, लेकिन अभी तक इन दो हमलावर हैं उनकी पहचान अभी नहीं हो सकी। शुक्रिया मृत्युंजय सिंह जानकारी देने के लिए। तो जिग्नेश जख्मी है लेकिन अब तक जो है इन दोनों हमलावरों की धरपकड़ नहीं हो पाई है।